हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वाई फोर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो क्लास टेंथ के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। इसलिए दोस्तों मैंने कुछ पाँच वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर दोस्तों आपने हमारी यूट्यूब चैनल वाई फोर कोचिंग क्लासेस पर पहली बार विजिट किया है, दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि ऐसी ही नई वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देखिए, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स क्लास टेंथ, पांच बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सन 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों अगर आप भी क्लास टेंथ में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। यहाँ से दोस्तों मैं आपको पांच वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, फिर ऐसे ही आगे सीरियल वाइज आपको क्वेश्चन बताते रहूँगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका उत्तर क्या है? उत्तर है जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या कह रहा है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। आप लोग इसको बिल्कुल आसान तरीके से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किस भौतिक राशि का मात्रक है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किस भौतिक राशि का मात्रक है? इसका आंसर होगा दोस्तों, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किस भौतिक राशि का मात्रक है? दोस्तों इसमें आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। फिर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन दोस्तों है, डायनेमो क्या कार्य करता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा डायनेमो क्या कार्य करता है। डायनेमो दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या बदलता है। अब दोस्तों देखेंगे, यहाँ हमने तीन क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, अब देखेंगे दो और क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? हमने तीन क्वेश्चन पढ़ लिए, अब यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है, विद्युत शॉक से क्या अभिप्राय है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आए दोस्तों मैंने जितने भी पांच क्वेश्चन बताए हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसका आंसर देखिए क्या होगा, जब हमारे शरीर का कोई अंग
बिजली की नंगी तार से छू जाता है। मतलब घर में क्या होता है कि किसी दिन नंगी तार से हमारी बॉडी का किसी भी पार्ट किसी तार से छू जाता है तो क्या होता है, तब हमारे शरीर और पृथ्वी के बीच विभवांतर पैदा हो जाता है। मतलब तो हमारे शरीर और पृथ्वी के बीच में एक विभवांतर पैदा हो जाता है, विभवांतर पैदा हो जाता है। इसे ही हम क्या होता है, जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, जिससे हमारे शरीर में धक्का लगता है, जिससे हमारे शरीर में धक्का लगता है इसे ही वैद्युशाक कहते हैं, इसे ही वैद्युशाक कहते हैं। मतलब जब जैसे ये मान लो ये नंगी तार है हमारा बॉडी का पार्ट ऐसे टच हो गया तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर में धक्का लगेगा। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं वैद्युत शाक। अब यहाँ पर देखिए वैद्युत धारा किस यंत्र द्वारा पैदा की जाती है, ये पांचवा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैद्युत धारा किस यंत्र द्वारा पैदा की जाती है। दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि किसी बांध द्वारा वैद्युत धारा को बनाते हैं, हाँ ये तो बात सही, किसी बांध द्वारा हम वैद्युत धारा को बनाते हैं। यहाँ पर वैद्युत धारा किस यंत्र द्वारा परिवर्तित की जाती है, दोस्तों वैद्युत धारा वैद्युत जनित्र से पैदा की जाती है या बनाई जाती है। वैद्युत जनित्र क्या होता है गांव में, दोस्तों वैद्युत जनित्र को जनरेटर कहते हैं, जनरेटर आपने सुना होगा शादियों बरातियों में जो बरातों में चलता है जनरेटर, वैद्युत जनित्र उसे ही जनरेटर कहते हैं। फिर से देख लीजिए पांचवा क्वेश्चन क्या था, वैद्युत धारा किस यंत्र द्वारा पैदा की जाती है, तो इसका आंसर होगा वैद्युत धारा वैद्युत जनित्र द्वारा पैदा की जाती है, वैद्युत जनित्र से पैदा की जाती है। जनित्र को दोस्तों आप जनरेटर भी कहते हैं, गांव में जनित्र को जनरेटर कहते हैं। अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल मैं दोस्तों आपको फिजिक्स के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताऊँगा, आंकिक प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।